अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल कुकिंग विद शहला। आज मैं आपको बीफ सिंधी बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ के जी बीफ लिया और इसे मैंने गला लिया पहले से, और ये मैंने 3 अनियन लिए और इन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और ये 2 टेबल स्पून मैंने सिंधी बिरयानी मसाला लिया है, 1.5 टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 1/2 टी स्पून क्रश चिली लिया, 1/2 टी स्पून मैंने रेड चिली और 1/2 टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और ये मैंने 3 मैंने लिए हैं टमाटोज लिए हैं और इन्हें मैंने बारीक काट लिया है, और 1/2 kg ही मेरे राइस हैं, और ये मेरा हाफ कप मेरा योगर्ट है। तो ये दम की चीज़ें हैं, ये दम में जाएंगी। ये मैंने 2 लेमन्स लिए, इन्हें बारीक स्लाइस में काट लिया, और 1 मैंने टमाटो लिए है, और ये मैंने पुदीने का 1 कप भर के लिया है, और ये हसबे ज़रूरत हरी मिर्च ली है, और ये मैंने वो लिया है आलू बुखारा लिया है खुश्क। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने लगी हूँ ऑयल हसबे ज़रूरत। आपको पता है इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है। अब ये 3 अनियन, अब मैं इसको कुक कर थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी। ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें बीफ ऐड करने लगी हूँ। ये जी बन रही है बकरा ईद स्पेशल सिंधी बिरयानी, आप ट्राई करना और मुझे इसका फीडबैक देना। बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। मैंने आंच कम की हुई थी फ्लेम थोड़ी सी। ये मैं चावल बॉईल करने लगी हूँ बिरयानी के लिए। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। और पानी को जब एक दफ़ा बॉईल हो जाए पानी, तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। चलिए चावल बॉईल करने, जब एक कनी रह जाए तो इसको उतार लेना है। ये अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना। अब मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूंगी इसमें। इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना, और फिर मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। चलिए मेरा अदरक लहसुन अब भून गया, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अब मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, क्रश चिली ऐड करूँगी, रेड चिली, ब्लैक पेपर, बिरयानी मसाला मैं इनपे ऐड करूँगी। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दूँ। दही ऐड करके इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूँ। चले मेरे चावल अब बॉयल हो गए हैं, ये देखिए। मैं इसे पानी ड्रेन करती हूँ। चले अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करने लगी हूँ। इसको थोड़ा सा मैं भून लूंगी।
आपकी बिरयानी का कोरमा रेडी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, आपको अगर नमक कम लगे तो आप और डाल सकती हैं। पानी को जब बॉयल आ जाएगा फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। चलिए अब मैं दम लगाने लगी हूँ। ये लेमन स्लाइस किए हुए, खुश्क आलू बुखारा, चलिए ये टमाटो, ग्रीन चिली और ये पुदीना। इसको काटना नहीं है, इसे हाथ से ही मैश कर लें आप। और अब मैं इस पे चावल ऐड करने लगी। ये सिंधी बिरयानी है, इसकी एक ही तह होती है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ रही हूँ। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ रही हूँ। चलिए मेरा बिरयानी अब रेडी है। मेरी बिरयानी रेडी है, आप इसे ट्राई करना, मुझे फीडबैक देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।